इन पक्षियों को पकड़ा जाए और इनका भोज मनाया जाए। अब वो राजा नल बड़ी चतुराई के साथ में उन पक्षियों को पकड़ने के लिए अपने शरीर से वो धोती उतार कर उन पक्षियों के ऊपर डालते हैं। लेकिन वहां पर एक अजीब नजारा था, जैसे राजा नल ने वो धोती पक्षियों पर डाली, वो पक्षी उस धोती को लेकर आकाश में उड़ा ले जाते हैं। एक अगन में चढ़कर कलयुग बोला, एक वचन सुन मेरा, पाछे मन के राज जीत लिया नल जुए में तेरा। अब वो राजा नल कलयुग की चाल को पहचान जाते हैं, अपने शरीर पे पत्ते लपेट के जब कुटी की तरफ आए और एक बेड़े की आग लेकर खड़े हो जाते हैं। रानी दमयंती ने देखा कि महाराज आप इस प्रकार क्यों छुप कर खड़े हो, कि रानी मेरे साथ में ऐसे ऐसे बढ़ गई। बोली महाराज राजपाट तो व्यास हो गया, ये लत्ते भी दिया है। अब वो राजा ने अपनी मजबूरी बताता कि मेरे साथ में कैसे क्या बीती क्या लिखा हुआ।
चलो।